तरफ ममता बनर्जी के मंत्री पर बम से हमला किया गया तो दूसरी ओर टीएमसी ने बीजेपी में शामिल हुए शुवेंदु अधिकारी की रैली में भी हिंसा कर दी। शुवेंदु का रोड शो खत्म होने के बाद टीएमसी विधायक ने समर्थकों के साथ बीजेपी समर्थकों पर हमला किया और इस हमले में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता घायल हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, उसे शुभ संकेत तो नहीं कहा जा सकता। लॉ एंड ऑर्डर का ये हाल है कि चुनाव राजनीति के नहीं हिंसा के अखाड़े बन चुके हैं। एक तरफ मुर्शिदाबाद में ममता के मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमला हुआ तो दूसरी तरफ कोलकाता में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के कार्यक्रम में हिंसा हो गई। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की तस्वीरें बेलेघाटा विधानसभा की हैं। आरोप है यहां पर रात करीब 9 बजे शुवेंदु अधिकारी का रोड शो खत्म होने के बाद टीएमसी विधायक परेश पाल अपने समर्थकों और स्थानीय लोगों के साथ पहुंचे और बीजेपी समर्थकों पर हमला कर दिया। इस घटना में नॉर्थ कोलकाता के बीजेपी अध्यक्ष शिवाजी सिंघा रॉय पर हमला हुआ और इसमें शिवाजी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना में बीजेपी नेता शंकुदेव और शुवेंदु अधिकारी की गाड़ी पर भी हमला और पथराव हुआ। गनीमत रही शुवेंदु अधिकारी इस हमले में बाल बाल बच गए। हिंसा में घायल बीजेपी नेता शिवाजी सिंघा रॉय को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिंसा में घायल हुए बीजेपी नेता का हालचाल जानने बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी हॉस्पिटल पहुंचे। बीजेपी नेताओं ने हमले के बाद ममता सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। तृणमूल कांग्रेस अपनी आसन्न हार के डर से इतनी विचलित हो गई है कि उसके गुंडे बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी के जुलूस पर पथराव जैसी घृणित घटना को अंजाम दे रहे हैं। यही है ममता बनर्जी का लोकतंत्र। बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे हमलों से डरेंगे नहीं और मजबूती से लड़ेंगे। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनावी हिंसा के मामलों में भी तेजी आ रही है। सवाल यही है इस हिंसा पर काबू कैसे किया जाए और अगर हिंसा जारी रही तो चुनाव निष्पक्ष कैसे हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको बताते हैं गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान उनके जो कार्यक्रम है उनके बारे में। तो आज पहले तो गृह मंत्री रास बिहारी एवेन्यू में भारत सेवा आश्रम संघ जाएंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद अमित शाह गंगा सागर हेलीपैड पहुंचेंगे और वहां से सड़क के रास्ते कपिल मुनि आश्रम जाएंगे। इसके बाद वो गंगा सागर से नामखाना जाएंगे। नामखाना में गृह मंत्री इंदिरा मैदान में परिवर्तन रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और फिर वो एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। वहीं दोपहर में वो नारायणपुर जाएंगे जहां एक शरणार्थी परिवार के घर पर अमित शाह भोजन करेंगे। नारायणपुर गांव से शमशान काली मंदिर पहुंचेंगे जहां वो एक रोड शो भी करेंगे और वहीं फिर शाम को वो कोलकाता जाएंगे जहां अरबिंदो भवन में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। शुक्रवार को गृह मंत्री कोलकाता में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। पूजा मेहता मेरी सहयोगी जुड़ चुकी है हमारे साथ। पूजा, सबसे पहली बात यह है कि अगर सबसे बड़ा कोई केंद्र इस वक्त देश में खबरों के लिहाज से बना हुआ है, चुनाव के लिहाज से बना हुआ है, तो वो है पश्चिम बंगाल। एक तरफ हिंसा हम देख रहे हैं, एक तरफ गृह मंत्री का 2 दिन का दौरा। कैसे चुनाव को हिंसा मुक्त कराएंगी पार्टियां? बिल्कुल पयोधी, देखिए जैसे जैसे ये चुनाव करीब आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में हिंसा का जो दौर है वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जैसा कि आप भी बता रही थी, गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचेंगे और ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये 7 दिन में दूसरा दौरा है और 30 दिनों में ये तीसरा दौरा है। पिछली बार वो जब आए थे तब वो 11 तारीख को पहुंचे थे, मतुआ महासंघ के लोगों के लिए एक संदेश लेकर आए थे और उन्होंने जनसभा से ये मैसेज दिया था कि पूरे देश भर में जो है सीए लागू होगा और रूल्स फ्रेम किए जाएंगे, लेकिन एक बार देश में वैक्सीनेशन का काम खत्म हो जाता है तो उसके बाद ही किया जाएगा। तो मतुआ महासंघ जो है एक बड़ी संख्या है और वोट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं तो वो भी वेट कर रहे थे। और उसके बाद इस बार भी अगर दौरे को अगर हम एनालाइज करें तो
वो एक शरणार्थी के घर जाकर भोजन करेंगे। तो बड़ी संख्या है शरणार्थियों की पश्चिम बंगाल में, जो बांग्लादेश से सटे हुए कई जिलों में रहते हैं, जैसे नदिया, फिर उत्तर 24 परगना और उसके अलावा भी हुगली, दक्षिण 24 परगना के जिलों में रहते हैं। ये इनका भी काफी इन्फ्लुएंस है विधानसभा चुनाव में, लगभग जो है 40 से 50 सीटों पर इनका इन्फ्लुएंस है। तो कहीं ना कहीं इस दौरे के दौरान भी जो रेफ्यूजी फैमिली है या जो शरणार्थी है उनके लिए गृहमंत्री अमित शाह जो है एक मैसेज लेकर आएंगे कि सीए जो है वो जरूर लागू होगा, लेकिन देश में फिलहाल प्रायोरिटी क्योंकि वैक्सीनेशन पर है, एक बार ये काम खत्म हो जाता है तो उसके बाद ही जो है रूल्स फ्रेम किए जाएंगे। लेकिन जो संदेश जा रहा है राजनीतिक हिंसाओं के चलते, जो रैलियां हो रही हैं उसमें नेताओं पर हमला होता है, मंत्री पर हमला होता है, तो फिर कई सवाल तो खड़े होंगे कानून व्यवस्था को लेकर। अब ऐसे में गृह मंत्री का पश्चिम बंगाल दौरा कितना महत्वपूर्ण होता है, वो क्या अपने संबोधन में या फिर रोड शो में इसका जिक्र करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। हर एक कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। पूजा, आपका धन्यवाद। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।